मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 3, चैप्टर नंबर 7, द फेमस विलेजर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? द फेमस विलेजर का मतलब यानी कि ये फेमस किसके बारे में बात कर रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर रहे हैं, जो गांव का एक फेमस था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के वो क्या थे? सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, सबसे पहले, ठीक है? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। वो बहुत बुद्धिमान थे, इंटेलिजेंस थे, बट ही लेड अ सिंपल लाइफ। पर उनकी लाइफ क्या थी? एकदम सिंपल थी। ही पेड द लिटल अटेंशन टू हिज अपीयरेंस एंड वॉज शाई इन नेचर। उनका नेचर कैसा था? शाई, यानी कि एकदम उदार दिल के थे, शाई, ठीक है, दयालु थे। ही वॉज डार्क एंड स्किनी विथ अ थिक माउस्टेक। उनकी मूछे, उनकी कैसे थिक यानी जाड़ी सी मूछ। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई देते हैं, ठीक है? वो बहुत पतले थे, स्किनी यानी पतला होना, ठीक है, वेरी थिन। यहाँ पे देखो आपको वर्ड्स में बताया गया है, ओके, बहुत पतला होना, और उनके मूछें भी थी, ठीक है। डॉक्टर प्रसाद वॉज वेल नोन एज द नेशनल लीडर मच बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। जब भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले इंडिया के वो क्या थे? नेशनल लीडर से जाना जाते थे वो लोग। किससे जाने जाते थे? वो नेशनल लीडर, ठीक है। वंस ही हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन टू अ रिमोट टाउन। उनको कहाँ पे जाना पड़ा? ट्रेन में, एक बहुत दूर जगह उनको जाना पड़ा। इट वॉज 8 o'clock। कितने बजे? 8 o'clock। नेक्स्ट पेज। 8 o'clock इन द नाइट। रात को कितने बजे थे? 8 बजे थे। व्हेन ही गॉट ऑफ एट द स्टेशन। जब भी वो स्टेशन पे उतरे नीचे, तभी कितने बजे थे? 8 बजे थे। ही वॉज वियरिंग अ कॉटन धोती कुर्ता एंड गांधी कैप। उन्होंने क्या पहना हुआ था? कॉटन धोती कुर्ता एंड गांधी की कैप। कैसे थी? ऐसे वो कैप पहने थे। इन दिस ड्रेस ही लुक लाइक एन ऑर्डिनरी विलेजर। वो कैसे दिखते थे? एक गांव के कोई कैसा सिंपल आदमी हो वैसे वो दिखाई देते थे, सिंपल होना। द प्लेटफॉर्म वॉज डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब होता है पूरा खाली है, खाली था प्लेटफॉर्म। कैसा था? पूरा खाली था, कोई भी पर्सन वहाँ पे नहीं थे। डॉक्टर प्रसाद लॉजेड हिज रोलेड क्विल्ट इन द क्रूक ऑफ हिज आर्म एंड वॉक टू द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस। डॉक्टर राजन प्रसाद ने, उन्होंने क्या किया? लॉजेड का मतलब हुआ फिक्स। उन्होंने अपना जो बिस्तर था उन्होंने यानी कि रोल करके उन्होंने अपने कहाँ पे, द बैंड इन द आर्म, यानी कि अपने आर्म में उन्होंने ले लिया और स्टेशन मास्टर के ओर वो चले गए। विथ ग्रेट पोलाइटनेस ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। एकदम नम्रता से वो स्टेशन मास्टर ने उन्होंने क्या पूछा स्टेशन मास्टर को? कुड आई मेक अ टेलीफोन कॉल। मैं क्या कॉल कर सकता हूँ? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैटर। बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। कौन ऐसा कहता है? राजेंद्र प्रसाद। वो स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाते, स्टेशन मास्टर को क्या कहता है कि आप मुझे एक कॉल करने दोगे? मुझे मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है। द स्टेशन मास्टर्स गेज्ड। स्टेशन मास्टर क्या हुए? गेज्ड यानी कि लुक्ड स्टेडीली, एकदम ऐसे ही देखते रह गए उसको आश्चर्यचकित से। एट हिम फॉर अ वाइल ही थॉट द मैन इन फ्रंट ऑफ हिम वॉज अ मैन विलेजर। वॉन्ट टू मेक अ कॉल। आप मुझे कॉल करने दोगे? हु डू यू थिंक यू आर। आप मुझे समझते क्या हो? मैं आपको क्या कॉल करने दूँ? आप मुझे समझते क्या हो?
डॉक्टर प्रसाद वांटेड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, वो खुद के बारे में अपना इंट्रोड्यूस करना चाहता था। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, क्या बताता था वो? राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस। बिफोर ही कूड फिनिश द स्टेशन मास्टर इंटरप्यूटेड, यानी कि क्या मतलब इंटरप्यूटेड का पीटेड का मतलब क्या होता है? स्टॉपेड समवन फ्रॉम स्पीकिंग, यानी कि दूसरे एक दूसरे के से बात करना, वो एकदम चुप हो गए। नो नो, राजेंद्र प्रसाद इज नॉट गोइंग टू बी हियर टू नाइट, अभी ये रात को टाइम नहीं आ सकते राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे, यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो। उनको स्टेशन मास्टर को क्या लगा कि ये राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद आने वाला, उनको ऐसा लगा, उन्होंने स्टेशन में डायरेक्ट सीधा ही ना बोल दिया कि नो नो यहाँ पे वो नहीं आते रात के टाइम पे। ही डिड नॉट अलाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू मेक हिज कॉल, वो कॉल करने नहीं देते। डॉक्टर प्रसाद वॉज सो शाय दैट ही कुड नॉट टेल द स्टेशन मास्टर दैट ही वॉज स्पीकिंग टू राजेंद्र प्रसाद हिमसेल्फ। स्टेशन मास्टर को पता नहीं था कि ये खुद राजेंद्र प्रसाद के वो ही है, उसके बारे में ही वो बात कर रहा है, और स्टेशन मास्टर को नहीं पता था, वो नहीं कहता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स, जब स्ट्रगल करते थे इंडिपेंडेंस के तभी वो राजेंद्र प्रसाद थे, वो वहाँ के मेन लीडर थे इंडिया के। In 1942, he participated in the Quit India movement. यानी कि 1942 में पार्टिसिपेट जब हुआ तभी उन्होंने क्या किया है, क्विट हिंद छोड़ो आंदोलन, इसको क्या बोलते हैं, हिंद क्विट यानी छोड़ना, हिंद छोड़ो आंदोलन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर ऑफ आवर कंट्री, ये किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश रूलर के कंट्री के अगेंस्ट था, ठीक है। क्या उनका था, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि हिंद छोड़ो आंदोलन। द ब्रिटिश अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम इन द प्रिजन, एक प्रिजन का मतलब होता है जेल, फॉर थ्री ईयर्स, थ्री ईयर्स की क्या हुई, जेल हुई। वाइल इन जेल, जब जेल में थे, ही रॉट इज ऑटोग्राफी, उन्होंने ऑटोग्राफी खुद की लिखी विच वॉज 900 पेजेस लॉन्ग, कितने ऑटोग्राफी लिखी उन्होंने, 900 पेजेस उन्होंने ऑटोग्राफी अपनी खुद की खुद में लिखी, ठीक है। कितने टाइम वो लोग जेल में रहे प्रसाद, थ्री इयर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आगे भी अंडरलाइन जहाँ पे की है वो आपके क्या है, डिक्टेशन वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे पीछे भी मैंने आपको दिखाई देता है आपको, ठीक है, ये सब आपका क्या है, डिक्टेशन वर्ड है, ओके। वो आपको बुक के अंदर भी आपके अंदर करना है और नोटबुक के अंदर भी आपको लिखना है, और ये आपको रीड अच्छे से करना है। ये क्या है, वर्ड मीनिंग है, क्या है, वर्ड मीनिंग है, ओके। अब आगे देखो यहाँ पे, इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947, कब फ्रीडम हुआ हमारा इंडिया, 1947, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, 1947। ऑन 26 जनवरी 1950 डॉक्टर प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, 1950 में डॉक्टर प्रसाद थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अपने कंट्री के, ठीक है। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फॉर 12 इयर्स, कितने तक रहे वो प्रेसिडेंट, 12 इयर्स यानी कि 12 साल। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, उनको कौन सा अवार्ड मिला, भारत रत्न का, इंडियाज हाइएस्ट ऑनर इन 1962 में, कौन से टाइम पे, कौन से साल, 1962 पे। हीज लाइफ टीचेस अस द वैल्यू ऑफ सिंपल सिंप्लिसिटी, यानी कि क्या हमको सिखाता है, ये सादापन हमको, ये उसकी समझ वैल्यू हमको बता रहा है, ओके। यहाँ पे सिंप्लिसिटी भी आपका एक डिक्टेशन वर्ड मेरा रह गया करने का, आपको भी ये करना है, ओके। ए कॉम्प्रिहेंशन, चूज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा यहाँ पे सेंटेंस सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज केयरफुल अबाउट हिज लुक्स, आपके लुक्स के बारे में केयरफुल रहता था, नहीं। डॉक्टर प्रसाद वुड टॉक टू एवरीवन एंड मेक फ्रेंड्स इजीली, नो।
डॉक्टर प्रसाद लेड अ सिंपल लाइफ, कैसे जिनकी उनका कैसा जीवन था, सिंपल था। यस, सी करना है आपको, ठीक है। सेकंड, व्हेन डॉक्टर प्रसाद गॉट ऑफ एट द स्टेशन ही वॉज वियरिंग, क्या उन्होंने पहना था। सी, देखो सी पे राइट करो, कॉटन धोती कुर्ता एंड अ गांधी कैप, यानी कि सी पे आपको राइट करना है। थर्ड नंबर, द स्टेशन मास्टर डिड नॉट अलाउ डॉक्टर प्रसाद टू मेक द टेलीफोन कॉल, उनको टेलीफोन कॉल नहीं करने थे करने देते थे स्टेशन मास्टर, क्योंकि सी पे देखो, ही थॉट डॉक्टर प्रसाद वॉज अ विलेजर एंड डिड नॉट टेक हिम सीरियसली, वो कुछ सीरियस नहीं लेते थे। अब देखो ए टू पे क्या है, अपना क्वेश्चन आंसर है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको साथ में याद भी रखने हैं, ओके। फर्स्ट, डिस्क्राइब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपीयरेंस, डिस्क्राइब यानी उनका वर्णन करना है, किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ओके। तो लेट स्टार्ट, आंसर देखते हैं उसका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेड नो अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, ही वॉज डार्क एंड स्किनी विथ अ थिक मुस्टेक, क्या लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेड पी ए आई डी पेड नो अटेंशन ए डबल टी ई एन टी आई ओ एन अटेंशन टू हिज अपीयरेंस ए डबल पी ई ए आर ए एन सी ई अपीयरेंस फुल स्टॉप, ही वॉज डार्क एंड स्किनी एस के आई डबल एन वाई स्किनी विथ अ थिक टी एच आई सी के थिक मोस्टेक एम ओ यू एस टी ए सी एच ई, मोस्टेक का मतलब होता है मूछे, ठीक है। सेकेंड नंबर, वाई डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गो टू द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, क्यों गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेशन मास्टर के ऑफिस में, क्योंकि डॉक्टर प्रसाद वेंट टू द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस टू मेक अ टेलीफोन कॉल, क्यों गए थे, टू मेक अ टेलीफोन कॉल यानी कि कॉल करने के लिए वो गए थे। थ्री नंबर, वाई डिडंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टेल द स्टेशन मास्टर हू ही रियली वॉज, थर्ड नंबर आंसर देखो, डॉक्टर प्रसाद वॉज टू से एस एच वाई सी टू टेल द स्टेशन मास्टर दैट ही वॉज द फेमस नेशनल लीडर, वो क्या थे, वहाँ के नेशनल लीडर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो स्टेशन मास्टर को क्या कहते हैं, दैट ही वॉज द फेमस नेशनल लीडर, वो क्या थे, फेमस नेशनल लीडर थे, ठीक है। फोर्थ नंबर, व्हाट डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डू व्हाइल ही वॉज इन जेल, क्यों उनको जेल जाना पड़ा। फोर्थ नंबर, व्हेन डॉक्टर प्रसाद वॉज इन जेल ही व्रॉट इज ऑटोग्राफी ऑफ 900 पेजेस, उन्होंने क्या लिखा, अपनी ऑटोग्राफी लिखी, वो जब जेल में थे, वो यहाँ पे क्या कहना चाहिए, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल में थे तब वो क्या कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी ऑटोग्राफी लिखी थी ना, कितनी लिखी थी, 900 पेजेस उन्होंने अपनी ऑटोग्राफी लिखी थी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है और याद भी रखना है, ओके। यहाँ पे जो सभी ये जो बताए गए वो आपके क्या है, वर्ड मीनिंग है, ओके। नेक्स्ट पेज, ये आपको फिफ्थ नंबर का है, वो आपको नहीं करना है, ओके, रॉन्ग कर दो वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या बताए, लुक एट द पिक्चर्स एंड यूज द वर्ड गिवन बिलो द डिस्क्राइब दिस पीपल राइट द वर्ड इन द करेक्ट बॉक्सिस ऑन पेज 41 पे आपको राइट करना है, ओके। यहाँ पे आपको स्ट्रिप बताई गई है, पहले वीरू के बारे में, वीरू मिस्टर मेहरा एंड विद्या, तीन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। वीरू इज टॉल, ये आपको टॉल दिखाई देता है लंबा सा, तो क्या आएगा, वीरू इज टॉल, बाद में वीरू इज डार्क, वीरू इज थिन, क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट में वीरू इज टॉल, फर्स्ट में टॉल, सेकंड में वीरू इज डार्क,
थर्ड में वीरू इज थिन, वीरू हैज कर्ली हेयर, उसके हेयर कैसे है कर्ली, देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कर्ली हेयर है, एक थिन भी है देखो, ठीक है, और टॉल भी है। सेकंड, अब किसके बारे में, मिस्टर मेहरा के बारे में, मिस्टर मेहरा इज फैट, देखो ये फैट है, फैट दिखाई देता ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मिस्टर मेहरा इज फैट, मिस्टर मेहरा इज शॉर्ट, ये शॉर्ट है, मिस्टर मेहरा इज अ बियर्ड, यानी कि दाढ़ी भी है देखो इसकी, यानी कि बियर्ड, यानी कि बी ई ए आर डी बियर्ड, मिस्टर मेहरा हैज वेवी हेयर, इसके हेयर कैसे है वेवी, वेविंग जैसे डब्ल्यू ए वी वाई वेवी हेयर। अब विद्या के बारे में, विद्या इज शॉर्ट, शॉर्ट है, विद्या इज फेयर, वो बहुत गोरी सी है, विद्या इज क्लीन, क्लीन भी है, विद्या हैज लॉन्ग हेयर, इसके कैसे हेयर है लॉन्ग हेयर है, ठीक है, इस तरह से आपको ये फील करना है। ओके, बी टू, नाउ राइट डाउन व्हाट दे आर वियरिंग, क्या पहना है उसके बारे में आपको बताना है। वीरू के बारे में पहले, वीरू इज वियरिंग जीन्स, जी ई ए एन एस जीन्स एंड टी शर्ट पहनी है, टी बाद में आपको डैश करना है और शर्ट का स्पेलिंग एस एच आई आर टी शर्ट, ठीक है। बाद में मिस्टर मेहरा इज वियरिंग, उसने क्या पहना है, अ पायजामा एंड अ कुर्ता, पायजामा एंड कुर्ता पहना है, पी वाई जी ए एम ए पायजामा एंड अ कुर्ता। विद्या ने क्या पहना है, अ फ्रॉक, उसने फ्रॉक पहना है, ओके, एफ आर ओ सी के फ्रॉक। अब यहाँ पे देखो सी वन पे ये आपको नहीं करना है, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको इस तरह से आपको करना है, ठीक है। रीड द वर्ड्स, आपको वर्ड्स रीड करने हैं एंड फ्रेजिस बिलो एंड लिस्ट देम अंडर द करेक्ट प्रेपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे आपको पीछे देखो टेबल बताया गया है, ठीक है, पहले आपको यहाँ पे रीड करना है पीछे यहाँ पे और बाद में यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। इन 1998 सिक्स जून हाफ पास्ट टू नाइट, यहाँ पे एट पे 88 पे आपको ओनली क्या लिखना है, हाफ पास्ट टू नाइट, एच ए एल एफ हाफ पी ए एस टी पास्ट टी डब्ल्यू ओ टू एन आई जी एस टी नाइट, हाफ पास्ट टू नाइट, हाफ पास्ट टू यहाँ पे नीचे लिखना है नाइट। इन 1998 सिक्स जून, बाद में 1998 के नीचे आपको क्या लिखना है, द आफ्टरनून, आफ्टर ए एफ टी आर नून एन डबल ओ एन नून, सेकेंड अक्टूबर ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर, द इवनिंग थर्सडे मॉर्निंग, द इवनिंग ई वी ई एन आई एन जी इवनिंग थर्सडे टी एच यू आर एस डी ए वाई थर्सडे मॉर्निंग एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, अक्टूबर अक्टूबर ओ सी टी ओ बी ई आर अक्टूबर संडे एस यू एन डी ए वाई संडे, विंटर डब्ल्यू आई एन टी आर विंटर विंटर, तो यहाँ पे क्या आएगा होली एच ओ एल आई होली। सी टू, कंप्लीट ईच सेंटेंसेस बाय चूजिंग द आंसर दैट गोज विद द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, मिस्टर डेनियल ट्रैवल टू सिंगापुर इन, सिंगापुर टू ट्रैवल इन दिल्ली इन समर, क्या आएगा यहाँ पे, द समर, सॉरी इन समर नहीं द समर आएगा, क्या आएगा फर्स्ट यानी कि ए पे। द म्यूजियम क्लोजेस एट 5 PM, कब क्लोज होता है 5 PM, जुलाई वॉज नॉट वेल ऑन वेनसडे, सॉरी जूली, डब्ल्यू ई डी एन एस डी ए वाई यानी कि बी पे आएगा। फोर्थ नंबर, आई वॉज बॉर्न इन 2002। फाइव नंबर, द स्कूल डज नॉट ओपन ऑन संडे, एस यू एन डी ए वाई संडे यानी कि सी पे। सिक्स नंबर, कैन यू कम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सी पे। सेवन नंबर, शकीरा विल बी इन चेन्नई फॉर अ वीक, अ वीक यानी कि ए पे।
एट नंबर जैस्मिन विजिटेड मी ऑन वेनसडे WEDNESDAY वेनसडे यानी कि सी पे ओके नेक्स्ट पेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम चूज फ्रॉम द वंस गिवन बिलो फर्स्ट यहाँ पे आपको देखो स्ट्रिप दी गई है उसमें से चूज करके आपको लिखना है अप्रैल कम्स जुलाई जुलाई के पहले अप्रैल आता है ना पहले यानी कि बिफोर BEFORE सेकेंड वी गो टू बेड आफ्टर डिनर डिनर करने के बाद ही हम लोग बेड में जाते हैं ना यस तो यहाँ पे आएगा आफ्टर थर्ड नंबर नीता प्रैक्टिसेस द पियानो फॉर वन आवर एवरी डे फॉर FOR फोर्थ नंबर द कॉम्पिटिशन स्टार्ट एट 9:30 सो यू मस्ट रीच देयर बाय 9 BY फाइव नंबर द स्कूल विल क्लोज अ वीक बिफोर द एग्जाम आफ्टर द एग्जाम द वैकेशन विल स्टार्ट बिफोर और यहाँ पे आएगा आफ्टर ओके ये आपको डी वाला नहीं करना है लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपको नहीं करना है ओके आपको बता देती हूँ पर एग्जाम में आपको नहीं आएगा ठीक है ऐसे ही आप लोग टिक कर सकते हो एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा बीरबल वॉज फर्स्ट अ मिनिस्टर बीरबल क्या था मिनिस्टर था हु चैलेंज्ड द बीरबल टू आंसर हिज क्वेश्चन द स्कॉलर बी वाला आएगा द स्कॉलर वॉन्टेड टू प्रूव सी द बीरबल वॉज नॉट एज इंटेलिजेंट एज पीपल थॉट सी फोर्थ बीरबल हैड द ऑप्शन ऑफ आंसरिंग वन डिफिकल्ट क्वेश्चन और सी 100 इजी क्वेश्चन कितने 100 इजी क्वेश्चन फाइव नंबर वाई वॉज बीरबल सो श्योर दैट द चिकन केम टू द वर्ल्ड फर्स्ट बी द स्कॉलर कुड आस्क हिम ओनली वन क्वेश्चन सो ही कुड नॉट क्वेश्चन आइदर और बीरबल आंसर बी सिक्स नंबर पे चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी यानी कि द वाइस स्कॉलर ए पे यहाँ पे डी टू पे देखो आस्क क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको नहीं करना है पर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो नॉट इम्पोर्टेंट ओके आई जस्ट टेल यू फर्स्ट आई विल हैव ऑरेंज जूस तो उसका क्या होगा क्वेश्चन हम कैसे पूछ सकते हैं फर्स्ट तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट व्हाट ड्रिंक वुड यू लाइक टू हैव आपको क्या पसंद है पीने में व्हाट ड्रिंक वुड यू लाइक टू हैव ऐसे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो सेकंड में क्या लिखा हुआ है आपके बुक में आई वेंट टू माय अंकल्स हाउस इन द विलेज तो इसका क्या करें वेयर डिड यू गो यस्टरडे ठीक है ऐसे आप लोग क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करना है ठीक है पूछना है जैसे कैसे पूछते हैं उसी तरह से थर्ड आई एम 8 ईयर्स ओल्ड तो उसका क्या हाउ ओल्ड आर यू आपको 8 निकाल देना है क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो इसीलिए फोर्थ नंबर नो ही इज इन क्लास 4 तो उसके इज श्रीजीत इन क्लास 3 फाइव नंबर आई वॉज बॉर्न इन मेजर तो क्या आएगा वेर यू बॉर्न सिक्स नंबर बॉइल वाटर एट टी लेवल कीप बॉइलिंग ऑन लो फ्लेम नाउ एड सुगर एंड मिल्क योर टी इज रेडी टू सर्व तो सिक्स का क्या होगा हाउ डू यू मेक टी कैसे बनाते हैं सिक्स का आंसर क्या होता है हाउ डू यू मेक टी इस तरह से हम पूछ सकते हैं ना यस सेवन नंबर गो स्ट्रेट टर्न राइट आफ्टर द पोस्ट ऑफिस यू विल सी अ येल्लो बिल्डिंग द स्कूल इज ऑन द राइट ऑफ द बिल्डिंग तो सेवन का क्या आंसर होगा कुड यू टेल मी द वे टू द स्कूल आप मुझे स्कूल का रास्ता बता सकते हो क्या आएगा
कुड यू टेल मी द वे टू द स्कूल. ओके. एट नंबर, नो द इंग्लिश एग्जाम इज ऑन मंडे, ऑन वेनसडे. तो उसका क्या, इज द इंग्लिश एग्जाम ऑन ट्यूजडे, एग्जाम ट्यूजडे है, ये आपको क्वेश्चन कर रहे हैं. नाइन नंबर, आई ड्राइव टू ऑफिस एवरी डे. नाइन का क्या होगा, हाउ डू यू गो टू ऑफिस एवरी डे. क्या होगा नाइन का, हाउ डू यू गो टू ऑफिस एवरी डे. टेन नंबर, यस ही इज जॉन्स ब्रदर. इज ही जॉन्स ब्रदर क्वेश्चन मार्क, सभी के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है. इलेवन नंबर, विष्णु इज करंटली लोकेटेड इन बेंगलुरु. यानी कि इलेवन में क्या क्या है, वेयर इज विष्णु करंटली लोकेटेड इन, यहाँ पे बेंगलुरु निकल जाएगा. ट्वेल्व नंबर, आई लाइक लिलीज द मोस्ट. तो ट्वेल्व में क्या आएगा, आपको लिली क्या पसंद, बहुत पसंद है, ऐसा क्वेश्चन करना हो तो विच फ्लावर डू यू लाइक दी मोस्ट. आपको कौन सा फ्लावर पसंद है, विच फ्लावर डू यू लाइक दी मोस्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क. ओके. आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, और एक्टिविटी राइटिंग आपको नहीं करनी है. ओके. सो थैंक यू, बाय बाय.